दुश्मनी उन लोगों से भी नहीं है जिनको अभियुक्त बनाया गया है, लेकिन हमारी संवेदना सुशांत के साथ है, सुशांत के परिवार के साथ है, इस पूरे देश की संवेदना है, पूरा देश जानना चाहता है कि इसमें क्या हुआ। अब जब एनसीबी इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही थी अपने मामले का, ड्रग पेडलर्स का, उसके साथ रिया जी के कनेक्शन का, तो कुछ न कुछ साक्ष्य होंगे, उसी के आधार पर जानकारी हुई होगी। तो आई डोंट वांट टू डिटेल्स ऑफ ऑल दिस, बट आई कैन टेल यू कि आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड और नॉट आई डोंट हैव एनी रीजन टू बी हैप्पी और अनहैप्पी। खुश और ना खुश होने का मेरा व्यक्तिगत कोई कारण नहीं है। आई ओनली वॉन्ट दैट ट्रूथ मस्ट कम आउट कि वॉट इज द मिस्ट्री बिहाइंड दिस सुशांत केस, दैट मिस्ट्री हैज टू बी अनफोल्डेड। वो रहस्य पर से पर्दा उठना चाहिए और ये चीजें उसमें एक पहला कदम की जांच एनसीबी की जांच से जुड़ी नहीं, सब चीजें आपस में मिली हुई है। जैसे सुशांत की केस करते हैं, बात करते हैं, मामले की बात करते हैं, तो दिशा सालियन के मामले की बात क्यों हो रही है? सीबीआई उसकी भी जांच क्यों कर रही है? हमने न्यूज में देखा है, तो सीबीआई वो मामले की जांच कर रही है, सीबीआई दिशा सालियान के मामले की भी जांच कर रही है, और उसी तरह से रिया चक्रवर्ती का नाम इस केस में है, उस पर सीबीआई काम कर रही होगी, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी होगी, करनी चाहिए। लेकिन ये तो स्पष्ट हो गया ना कि ड्रग पेडलर्स के साथ रिया चक्रवर्ती के संबंध थे। अब वो कह रहे हैं कि हम इनके लिए, उनके लिए, किसके लिए क्यों ड्रग ले रहे थे, अब कहने को तो हम भी कुछ कोई बहाना बना सकते हैं। लेकिन अब उनका फेयर डील नहीं था और वो बेदाग नहीं है, ये बात तो स्थापित हो गई ना। बट वे दे वर ट्राइंग टू डाइवर्ट द केस, रिया एंड अ फैमिली वर ट्राइंग टू एंड अ फ्रेंड्स एंड अ टीम। आई डोंट वांट टू मेक एनी कमेंट ऑन दिस, माय पॉइंट इज कि नाउ मुंबई पुलिस वाज नॉट, मतलब द जनरल परसेप्शन इज दैट मुंबई पुलिस वाज नॉट फेयर इन इट्स इन्वेस्टिगेशन एंड बिहार पुलिस वाज नॉट अलाउड टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन। They created hurdle and you know the whole story how they behaved with Bihar police. So I don't have to say anything about this. My only thing is that was the only option left to the court also. Bihar police couldn't do it because Mumbai police didn't want Bihar police should handle this case, investigate this case, and Mumbai police has lost faith for reliability. It was not doing anything. So the only option was that case. Should have been investigated by CBI and Honorable Supreme Court already has given its verdict and by order of Honorable Supreme Court case has been handed over to CBI. So there should not be, I shouldn't make any comment. CBI is working, its style is different, it's working in a very professional manner. So truth has to come out. And Riya Chakravarti, about whom you are talking, now Riya Chakravarti is totally exposed in the sense that she had connection with her. That has been established. This is why she has been arrested. But she said that she was carrying Sushant. और भी बड़े नाम हो सकते हैं। देखो, it's very difficult to presume anything and one should not presume anything because all professional investigating agencies are now looking into this matter. So it's not wise to presume anything. But gradually things are happening. Now people are very excited to know what further. And your question is also very right. You are also very excited to know what in future and who is going to be arrested in future. So I shouldn't make any comment on this, but I am telling you now this mystery will be unfolded by CBI also, and truth will certainly come out, and people responsible behind this. Do you think that the drug cartel will be the crack? The drug cartel will be badi machli pakdi jayegi. तो हम उस पर क्या कमेंट करें? एनसीबी कह रही है तो ड्रग का ऐसा धंधा है जिसमें बड़े बड़े लोग हैं, ये तो पूरा छोटे लोग ड्रग का धंधा छोटे स्तर पर करते हैं, और बड़े स्तर पर जो ड्रग का धंधा होता है इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं उसमें तो बड़े बड़े लोग होते हैं। जो लोग इन्वॉल्व होंगे सब पकड़े जाएंगे। ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया गया है, लाइफ ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया गया है, ये आप ही से हम सुन रहे हैं। आई डोंट हैव एनी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हु हैज बीन अरेस्टेड, हु हैज नॉट बीन अरेस्टेड, बट दिस इज द इन्फॉर्मेशन विच आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम द मीडिया ओनली दैट रिया चक्रवर्ती इज अरेस्टेड बाय एनसीबी इन ड्रग पेडलिंग ड्रग के। सो एनसीबी के डायरेक्टर ने कंफर्म कर दिया है कि रिया चक्रवर्ती का अरेस्ट कर दिया गया। ठीक है, फाइन। दिस मस्ट एनसीबी मस्ट हैव फाउंड सम एविडेंस अगेंस्ट हर, उसके खिलाफ कुछ एविडेंस मिला होगा तब तो अरेस्ट किया गया है। सर, वन लास्ट क्वेश्चन कि आपने एक बार औकात की बात की जितना हंगामा मचा था उसी पार्टी के। देखिए, औकात का मतलब होता है स्ट्रेच। तो मैंने कहा था, मैंने आई डिंट वॉन्ट टू हर्ट हर और एनी बडी, माई इंटेंशन इज नॉट, मेरा संस्कार ऐसा नहीं है कि मैं किसी को दुखू।
looking around. My purpose was not to hurt anybody, to humiliate anybody. It was a spontaneous reaction. कि स्टेचर उनका नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करें. उसको हमारे यहाँ औकात बोलते हैं भोजपुरी में. उसका निगेटिव सेंस ले लिया गया, निगेटिव अर्थ लिया गया, मीडिया पर ट्रोल किया गया. मैंने उसी समय कहा कि भाई माई इंटेंशन वाज नॉट टू हर्ट और हुमिलिएट एनीबॉडी. तो हमारा ये पर्पस ही नहीं था. आई हैव नेवर डन दिस इन माय लाइफ. आई हैव नेवर हर्ट और हुमिलिएटेड एनीबॉडी. लेकिन वही नेता जो आप पे सवाल खड़े कर रहे थे वो एक लड़की को हरामखोर बोलते हैं, नॉटी बोलते हैं, वही संजय राउत. देखिए सबका अपना अपना संस्कार है. हाउ कैन आई कमेंट ऑन दिस. I don't have, you know, authority, and I don't have this is authority to comment on this, any political person. That is not my business. कि वो किस पर क्या बोलते हैं तो पूरा देश देख रहा है, पूरा देश सुन रहा है. उन्होंने मैं मुख्यमंत्री के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की, मेरे खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की, उन्होंने एक महिला के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की, उन्होंने बिहार पुलिस के खिलाफ बहुत ही अशोभनीय बात कही. मैंने कभी कोई प्रतिक्रिया दी? मैं क्यों प्रतिक्रिया दूंगा? वो बहुत बड़े हैं, उनका स्टेचर, उनकी औकात हमसे बहुत बड़ी है. हम उन पर कैसे टिप्पणी कर सकते हैं? लेकिन कहीं ना कहीं बिहार पुलिस ने जो एफआईआर किया, इन्वेस्टिगेशन किया, उसके बाद ही कहीं ना कहीं सच्चाई सामने आई. नहीं, आप बताइए कि दिस इंसिडेंट टू प्लेस ऑन विच डेट? डू यू रिमेम्बर? ऑन 14th of June. एंड आफ्टर 14th of June व्हाट हैपेंड टिल 20th? एवरीथिंग वाज यू नो फिनिश्ड, साइलेंट. मुंबई प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सुशांत वाज आउट ऑफ न्यूज आफ्टर 20th. विद इन वन वीक एवरीथिंग यू नो वाज सेटल. तो होल प्रॉब्लम स्टार्टेड व्हेन आई रजिस्टर्ड अ केस हियर इन पटना. आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ केस इन पटना ऑन 25th, माई टीम वाज, फोर मेंबर्स टीम वाज डिस्पैच फॉर मुंबई फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑन 27th. देन द होल हंगामा स्टार्टेड. Why Bihar Police registered case? Why four members team of police officer came to Mumbai for further investigation? Bihar Police don't have right to register a case. Bihar Police don't have right to investigate the case. It is totally illegal. Lot of TV debates are going on. Expert of law, advocates, retired judges, they are participating in the debate, and most of them are in favor of Mumbai police only. Even the Bollywood was unhappy with you, sir. Forget about Bollywood. I don't know about Bollywood anything, because I never watch movie. I have nothing to do with Bollywood. And who is happy, who is unhappy, I am not doing anything to make somebody happy or unhappy. I am doing my duty. I am doing my duty, lawful duty. I am not doing anything to make somebody happy or somebody unhappy. That is not my business. I don't bother who is happy, who is unhappy. लेकिन सर, जो बिहार के मुख्यमंत्री पे सवाल उठा रहे थे, आपके कार्य पे सवाल उठा रहे थे कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है बिहार इलेक्शन से, क्या सबको जवाब मिल गया आपको लगता है? I have taken now, it has been given, verdict has been given honorable Supreme Court that whatever I did was right, was legal, was constitutional. I didn't do anything out of jurisdiction. So registration of FIR was legal. My next action, I dispatched the team to Mumbai police, Mumbai for a further investigation. That is also not illegal. And Bihar government referred the case to the CBI through central government. That is also not illegal. So that has been held by Honorable Supreme Court. Why to debate on this? इस पर क्यों बहस करनी है? जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बिहार पुलिस ने जो किया कुछ भी गलत नहीं किया, केस करना भी गलत नहीं, टीम भेजना भी गलत नहीं, इन्वेस्टिगेशन करना भी गलत नहीं, सीबीआई को केस रिफर करना भी गलत. सफर पर है और ढूंढ रहे हैं खबर, खबरों में ढूंढ रहे हैं अपना शहर, टॉप न्यूज, ब्रेकिंग और हर अपडेट, तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़, हिंदी के साथ पांच भाषाओं का पंच, सबसे नया, सबसे अनूठा न्यूज ऐप, बस एक क्लिक दूर, जी हिंदुस्तान डाउनलोड करें और बाखबर रहें.